69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में सभी साथियों का स्वागत है। हालांकि मैंने सुबह आपसे कहा था कि दोपहर में आपके बीच में उपस्थित रहूंगा, उसी कड़ी में हम आपके बीच में उपस्थित हैं। उत्तर कुंजी प्रकरण अपडेट को लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर कुंजी से पीड़ित अभ्यर्थियों द्वारा हजारों की संख्या में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निरंतर पत्र भेजे जा रहे हैं। मित्रों, इसके साथ साथ अभी भी अभ्यर्थियों द्वारा पत्र भेजने का कार्य जारी है। प्रदेश का हर एक साथी जो उत्तर कुंजी से प्रभावित है वो इस मुहिम में इतने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, करीब 2000 की संख्या में जो है पत्र अब तक प्रेषित किए जा चुके हैं। और हमारा जो टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को माननीय मुख्य न्यायाधीश तक, माननीय सीएम साहब तक, माननीय पीएनपी तक पहुंचाने का पूरा कोशिश करेंगे। इस मुहिम में हमारे जितने साथियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और ये कार्य अभी भी हम रुकने नहीं देंगे। जब तक हमें आदेश नहीं आ जाता हमारे अधिवक्ताओं द्वारा कि नहीं ये कार्य को रोकना है, तब तक हम ये कार्य को निरंतर करते रहेंगे और अपनी बात को हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्त, आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में सरकार किस प्रकार से आपके बातों को दमन करना चाहती है, एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए अपनी बात को मनवाने के लिए बेबस कर देगी आपको। आपको अच्छे तरीके से पता है वो उनको जो सही लग रहा है वो वही कर रहे हैं, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं, उसमें आपका नुकसान हो रहा है कि आपका फायदा। दोस्तों, जो प्रश्न गलत है उस पे आज भी सरकार मानने को तैयार नहीं। उनको पता है कि अगर आज वो प्रश्न वो सही कर देंगे तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी अंदर आएंगे, और जो अभ्यर्थी अंदर आएंगे वो उनके द्वारा बनाए हुए लिस्ट में बहुत प्रभावित करेंगे, पूरे लिस्ट को फेर बदल कर देंगे। कुल मिला जुला के लड़ाई हमारी और उस लिस्ट में है। वो लिस्ट बदलना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि नंबर इंक्रीज हो और लिस्ट बदले, और हम सब जो भी सरकार द्वारा लगाए गए मानक है उसको पास करते हैं तो हम भी उस लिस्ट में आए। लेकिन सरकार को ये कतई मंजूर नहीं है, इसीलिए आज इतने दिन के बाद भी, 2 महीना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार सुनवाई से भाग रही है। ना सही से डेट लगते हैं, अगर डेट लगते हैं तो हियरिंग नहीं होती, हियरिंग भी होती है तो जज साहब को अभी भी ऑर्डर का इंतजार है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों सारी चीजें आपको स्पष्ट कर दी गई हैं, बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, हर चीज से आप बेहतर तरीके से रूबरू हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीम कोर्ट के कार्यों को बेहतर तरीके से करने की पूरी कोशिश कर रही है और आपको रिजल्ट 100% देने के पूरी तरह से हम जो है लगे हुए हैं। आपका कार्य जो है वो बेहद सराहनीय है। आपने जिस प्रकार से पत्र भेजे हैं वो प्रदेश में पहली बार हुआ है कि किसी प्रकरण को लेकर के इतने ज्यादा पत्र प्रेषित किए गए हैं, और हम चाहते हैं कि इस मामले को पत्र के माध्यम से इतना ज्यादा हम प्रेषित करें, लोगों तक पहुंचाएं, माननीय सीएम साहब तक पहुंचाएं, माननीय मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाएं कि उन्हें लगे नहीं इससे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों का हित प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, आप सब टीम के एक आह्वान पे जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसका मैं सदा आभारी रहूंगा। दोस्त, आपकी लड़ाई है, लड़ी जा रही है। मैं आप सभी से बता देना चाहूंगा कि आप जहां खड़े हैं वहीं हम भी खड़े हैं। आपको नंबर चाहिए, नंबर हमें भी चाहिए। पास आपको भी होना है, पास हमें भी होना है। अध्यापक आपको बनना है, अध्यापक हमें भी बनना है। इसी बीच कुछ साथी ये भी कहते हैं कि सर चंदा वंदा ले लिए हैं आप लोग, जो है कोई कार्य नहीं हो रहा। तो मित्रों, आपने जो पैसा हमें दिया वो हमें नहीं दिया है, आपने उस पैसे को अपने वकीलों के माध्यम से अपनी बात को रखवाने के लिए दिया है। आपने 2000-2500 रुपए दिए हैं तो आप अपनी बात को माननीय वकीलों द्वारा, माननीय अधिवक्ताओं द्वारा, माननीय जज साहब के सामने अपने प्रॉब्लम को बताने के लिए दिया है। आपने हमें नहीं दिया है कि सर आप रख लीजिए, आपको जो करना है करिए। आप हमारे माध्यम से पैसा पहुंचवाए हैं वकीलों तक, उस पैसे का हम लोग कहीं भी कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। वह सारा का सारा पैसा आपके कार्यों में लगा है, ये आपको बखूबी पता है। टीम कब आपसे सहयोग मांगती है ये भी आपको पता है कि हम पिछले कितने महीने पहले आपसे सहयोग मांगा गया था। अभी तक किसी प्रकार का कोई सहयोग आपसे नहीं मांगा गया है। बाकी आगे जब जरूरत पड़ेगी हमें तो वो आपको सूचित अवश्य किया जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई आप सब की है। हम अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। अगर चाहते तो अन्य टीमों में हम सब भी याची बन जाते और पैसा दे करके बैठ जाते, फिर होता है क्या कि कोई भी टीम आगे ना आती, आपका मामला वहीं दबा का दबा रहता। आपकी इस लड़ाई में माननीय सरकार से एक टीम निकल के आई है जो पूरी तरीके से जद्दोजहद के बाद आज भी खड़ी है, किसी प्रकार से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप इन सभी कार्यों में जो भी टीम द्वारा कहे जाएंगे आप उसमें पूरी तरीके से सहभागिता दिखाते हुए कार्य को संभव बनाने में पूरी मदद करेंगे टीम के। और प्रदेश के कोई भी साथी हो, चाहे वो हमारी टीम से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, अगर वो उत्तर कुंजी से
परेशान है, उत्तर कुंजी से पीड़ित है, तो वो अगर पत्र को प्रेषित करना चाहता है तो उसका स्वागत करते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का फोन आया है, मैसेज आया कि सर हम भी करना चाहते हैं। खैर हम आपकी टीम में नहीं दोस्तों, आप सभी को साथ लेकर के चलना है, हमें केवल अपने साथ जो जुड़े उनका नहीं, हम प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश के हर एक साथी की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश का हर एक साथी हमारा साथी है, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी भी साथी को हम छोड़ नहीं सकते। आगे चाहे हमें हार मिले या जीत, ये तो भविष्य की बात है, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है कि आगे क्या होगा, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे दोस्त, पीछे हटने वालों में से हम नहीं है। जब चांस 1% नहीं था तो भी सिंगल बेंच में लड़ाई लड़ी गई थी, अभी भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जो भी साथी मेल करना चाहते हैं, पत्र प्रेषित करना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में एक नंबर दे दिया जा रहा है, उस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, कह दीजिए सर हमें पत्र चाहिए, हमें मेल करना है, तो आपको ईमेल आईडी, विषय और पत्र तीनों प्रेषित कर दिए जाएंगे, आप उसको जो है उस ईमेल आईडी पे प्रेषित कर दीजिएगा, और प्रेषित करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है आप उसी नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे ये पता चलता रहे कि हमने कितने मेल माननीय न्यायाधीश को, माननीय सीएम साहब को, माननीय एससीईआरटी, माननीय पीएनपी को कितने भेजे हैं, इससे हमें संख्या पता चलती रहेगी। आशा करते हैं चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी दोस्तों, साथ और सहयोग बना के रखिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।